हेलो, नमस्कार। आज हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, दरअसल इसके पहले का जो टॉपिक हमारा था वो था बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका इस्तेमाल आज वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है, और शिक्षा के जितने भी मॉडल बनाए जाते हैं वो इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, एक बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा था प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। और सबसे पहले आप समझिएगा कि इसकी सबसे पहले जो अवधारणा प्रस्तुत किया था, इसकी सबसे पहले जो अवधारणा प्रस्तुत किया गया, यह अवधारणा प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। याद रखना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे? याद रखना है बच्चों, जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। जॉन डीवी जो थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के रहने वाले थे, और एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा देखिएगा, इसमें एक इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, यह क्या करता है? यह बालक की शक्तियों का विकास करता है। ठीक है, बालक में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, मानसिक शक्ति होती है और भी बौद्धिक शक्ति होती है। इन सभी शक्तियों का क्या करता है? ये विकास करता है। ठीक है, बालक की बौद्धिक शक्तियों का और जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ बालक के अंदर होती हैं, यह उनका सभी का क्या करता है? विकास करता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात और यह है कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि यह सूचना प्रदान करता है। क्या सूचना प्रदान करता है? यह सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। कि जो शिक्षा है वो किसके लिए है? बालक के लिए है। ठीक है, शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं, बालक शिक्षा के लिए नहीं। तो अब इसका अर्थ हम जरा समझते हैं। जैसे कि इसका जो मॉडल है, कुछ इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षा बालक के लिए है, इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो बालक है वो इस तरीके से सेंट्रलाइज है। ठीक है, और हमको अपने शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरीके से करनी है कि शिक्षा जो है अपने आप बालक तो क्या होकर पहुँचे, यानी कि हमको ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है कि शिक्षा अपने आप कहाँ तक पहुँचे? बालक तक पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है। अच्छा, अर्थात हमको एक ऐसा मॉडल नहीं है कि कहीं पर शिक्षा व्यवस्था का हमने एक मॉडल बना दिया है और जबरदस्ती बालक को हम उस मॉडल के अंदर ढकेल रहे हैं या उसको हम मजबूर कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा एक इस तरह के वातावरण के सृजन के द्वारा होना चाहिए कि सहज प्रवृत्ति से बालक जो है शिक्षा संबंधी जो भी जानकारियां हो उनको क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अब हमको हमको लगता है समझ में आया होगा। तो इस तरह से याद रखना है कि प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं। ठीक है, तो आइए अगला इसका हेडिंग हम लोग देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या है? इसका जो पहली विशेषता है, यह बच्चों के अंदर प्रजातंत्री या जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करे। ठीक है, बच्चों के अंदर प्रजातंत्री या जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करे। देखिए, आपको पता है कि एक विद्यालय जो होता है उसमें हर धर्म संप्रदाय मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, और हम सभी का जो उद्देश्य होता है कि वो आपस में इनके आधार पर भेदभाव न करें, अर्थात दुनिया के सभी लोगों को एक समान समझें, उनमें भेदभाव ना करें। तो इस तरीके से प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है कि वो बच्चों के अंदर प्रजातंत्रीय या जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करें, अर्थात व्यक्तियों में कोई
भेद ना करे, व्यक्तियों में कोई भेद ना करे, अंतर ना करे, इस तरह की बात है। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल्स। ओके, अच्छा, इसके अंतर्गत एक काम और जो किया जाता है कि इसमें शिक्षण विधि को व्यवहारिक किया जाता है। शिक्षण विधि को क्या किया जाता है? व्यवहारिक, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह व्यवहारिक तौर पर पहुँचे। मतलब कि ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ना हो, ये इन्वायरमेंट के रूप में जो है उन तक अपने आप सहज प्रवृत्ति के द्वारा पहुँचते रहे, ठीक है। और जॉन डीवी ने जो है प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना। देखिएगा, कभी कभी पूछता है कि जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, तो याद रखना है रुचि और प्रयास, ठीक है। रुचि और प्रयास, मतलब कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसके मन में उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, और बच्चा उसको प्राप्त करने के लिए क्या करे, प्रयास करे, तभी वो चीज़ें उसको समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है शिक्षक को समाज का सेवक माना जाता है। शिक्षक को क्या माना जाता है? समाज का सेवक माना जाता है, ठीक है, समाज का सेवक माना जाता है। और जॉन डीवी साहब ने कहा कि शिक्षक को ईश्वर की प्रतिनिधि की संज्ञा दी है, ठीक है। जॉन डीवी ने शिक्षक को ईश्वर की प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। तो आप इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को क्या माना जाता है, तो समाज का सेवक माना जाता है, ठीक है। और जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को क्या कहा है, तो ईश्वर की प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। क्या कहा है? ईश्वर का प्रतिनिधि की संज्ञा जो है ये जॉन डीवी सर ने जो है दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वर्तमान में प्रगतिशील शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि इसका महत्व क्या है? तो अभी क्या है, इसके आधार पर जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वैश्विक स्तर पर, उसको अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर, इसके आधार पर शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, और अनिवार्य का मतलब कंपल्सरी, बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, यानी बच्चों के या बालकों के व्यक्तित्व का विकास पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रगतिशील शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं प्रजातंत्री या जनतंत्री मूल्यों की स्थापना करना, जिसमें बच्चा अपने लोगों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव न कर पाए। अच्छा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। और जॉन डीवी ने दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, कौन कौन से, रुचि और प्रयास। और शिक्षक को समाज का इसके अंतर्गत प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को समाज का क्या माना गया है, सेवक माना गया है। और जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को ईश्वर का प्रतिनिधि, शिक्षक को क्या माना है, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। और प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे समक्ष दो शब्द अक्सर आते हैं, एक बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो कई बार शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए जरा इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक। याद रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो सेंट्रल होता है वो चाइल्ड होता है,
बालक को केंद्र में मान करके शिक्षा प्रदान किया जाता है और इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पता होगा। और शिक्षा केंद्रित शिक्षा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें सेंटर में कौन होगा, शिक्षक, यानी शिक्षक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। तो एक आपका हो गया हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा हमारा क्या हो गया, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में समझते क्या है। देखिए, पहला तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का स्थान महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इसमें बालक प्रमुख होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक प्रमुख होता है, यानी शिक्षक का स्थान क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि बालक हमारा है, बालक के अंदर क्या क्या गुणों का विकास पर बल दिया जाता है, हम प्रयास करते हैं कि बालक के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, हम प्रयास करते हैं कि बालक के अंदर अनुशासन का निर्माण हो, बालक स्वावलंबी बने, बालक क्या बने, स्वावलंबी बने। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत इनके विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा बल दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद से आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो इम्पोर्टेंट इसका टैगलाइन है वो क्या है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है, प्रवृत्तियों और क्षमताओं, उसकी एबिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, इनके आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है कि बालकों में असफलता का डर कम होता है, यानी बालकों में असफलता का डर कम होता है। ठीक है, असफलता का डर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बालक को सेंटर में मानेंगे तो हम बालक के सभी गुणों का ध्यान रखेंगे, और उसमें ये भी है कि बालक असफल होने से डरे। मतलब कि कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो मॉडल होता है वो बालक के अंदर किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं होता है, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए शिक्षा के मॉडल का निर्माण किया जाना चाहिए। अब जब शिक्षा केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन प्रमुख है, शिक्षक प्रमुख है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ये मॉडल जो है उतना अच्छा माना नहीं जाता है, ये कम आकर्षित मॉडल है। ठीक है, उतना फैसिनेटेड नहीं है, कम आकर्षित है, लेकिन इसमें किसके मेहनत पर ज़्यादा बल दिया जाता है, शिक्षक के मेहनत के पर और शिक्षक के स्वाध्याय पर। मतलब कि शिक्षक अगर कोई भी चीज़ें पढ़ाने के लिए जा रहा है तो वो ज़्यादा मेहनत करके जाए, बालक के बारे में सोच करके, बालकों की क्षमताओं को ध्यान में रख करके ये सब मेहनत करना पड़ता है, उसको खुद पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के वो अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को संप्रेषित कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़, इसका जो ड्रॉबैक है, इसमें हम बालक की क्षमताओं पर शिक्षक चाहे तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वह केवल एक टीचिंग मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करता है, शैक्षिक कार्यक्रमों पर केवल ध्यान देता है। ठीक है, यानी कि वो केवल अपने सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो इस पर ध्यान देता है। अच्छा, इस बात पर वो ध्यान ज़्यादा नहीं देता है कि बालक को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये टारगेट बेस्ड टोटल हिसाब किताब इसमें होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब वो बालक को पढ़ाता है तो ही हैज़ टू प्रोवाइड रिजल्ट टू द चिल्ड्रन, रिजल्ट टू द गार्जियन। तो वो क्या करता है, उनको रिजल्ट देने ही प्राथमिकता होती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो रटवाने पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मार्क्स का ज़्यादा महत्व हो जाता है और बच्चों के अंदर असफलता का डर पैदा हो जाता है। ठीक है, बच्चों में असफलता का डर पैदा होता है इसके द्वारा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षा केंद्रित शिक्षा का ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं इसमें आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षा केंद्रित शिक्षा हो गया। अब कुछ पॉइंट्स क्या करता है करने देखिएगा ध्यान से। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बालक को अधिक सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, बालक को अधिक क्या करना चाहिए,
सहायता प्रदान करना चाहिए। स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बालक को अधिक सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बालक का जब सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षक को स्वतंत्र होना चाहिए। कौन स्वतंत्र होना चाहिए? शिक्षक को स्वतंत्र होकर के निर्णय लेना चाहिए कि किन विधियों का इस्तेमाल करके हमको बालक की शक्तियों का विकास करना है। ठीक है, अच्छा, एक और प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शिक्षा का सत्तावादी केंद्र क्या है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखिएगा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी आजकल मॉड्यूल बना रहे हैं सार्वभौमिक स्तर पर, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा को महत्व देते हैं। तो शिक्षा का सत्तावादी केंद्र क्या है? हमारा बालक है भाई। तो शिक्षा का सत्तावादी केंद्र किसको माना जाता है? बालक को माना जाता है या छात्र केंद्रित माना जाता है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक और कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हम बालक को केंद्र मानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा, बालक को जब हम पढ़ाते हैं तो शिक्षक के पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो धैर्य होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के सीखने की जो गति होती है वो एक समान नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सीखने की गति क्या होती है, बहुत धीमे होती है, तो शिक्षक को बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षक को धैर्य तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन शिक्षक के मन में ये दृढ़ता भी होनी चाहिए कि वो बच्चों को सिखा पाएगा। तो धैर्य और दृढ़ता, ये दो चीज़ें, दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी शिक्षक के पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से सभी वीडियोज़ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी।